राधे राधे जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय माता की, जय स्कंद माता की। आज नवरात्रि का पांचवा दिन है और नवरात्रि के पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद माता की पूजा करने से व्यक्ति के सभी दुख समाप्त होते हैं, साथ ही संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी देती हैं माँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे स्कंद माता की मंत्र, उनका प्रिय भोग, उनके प्रिय रंग और साथ ही कुछ उपाय भी जानेंगे और हम बहुत ही सुंदर आज कथा भी सुनेंगे। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद माता की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। स्कंद माता अपने भक्तों के सभी कार्य बना देती हैं, असंभव से असंभव कार्य भी उनकी पूजा करने से पूर्ण होते हैं। साथ ही स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। सभी दुख दर्द से मुक्ति के लिए माता स्कंद माता की पूजा अवश्य ही करना चाहिए। भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में माँ ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया था। भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता कहा जाता है। माँ स्कंद माता की चार भुजाएं हैं। माँ भगवान कार्तिकेय को अपनी गोद में लेकर शेर पर सवार रहती हैं। माँ के दोनों हाथों में कमल है। साथ ही स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करने चाहिए। स्कंद माता को पीले रंग की वस्तुएं सबसे अधिक प्रिय हैं। आज के दिन स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। उन्हें पीले रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। माता को केसर की खीर का भोग भी लगाया जा सकता है। साथ ही माता को एक पान, एक बताशा, इलायची, लौंग का जोड़ा, कमलगट्टा, सुपारी आदि पान पर रखकर माता को भोग लगाएं। स्कंद माता की पूजा पीले रंग के वस्त्र को धारण करके करनी चाहिए। श्वेत वस्त्र भी धारण किए जा सकते हैं। माता को पीले रंग की वस्तुओं का भोग भी लगाया जाता है। मोक्ष प्रदान करने वाली माँ स्कंद माता अत्यंत दयालु हैं। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनकी पूजा से भक्त अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाते हैं। चार भुजाओं वाली माँ स्कंद माता देवी पार्वती का पांचवा स्वरूप है। माता स्कंद की पूजा करने से मनुष्यों को संतान की प्राप्ति होती है। माँ के समक्ष पीली चुनरी में एक नारियल रखें। स्वयं पीले वस्त्र धारण करके 108 बार नंद गोप ग्रहे जाता, यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तो नाशिष्यामी विंध्याचल निवासिनी, इस मंत्र का आप जाप करें। इसके बाद नारियल को चुनरी में बांधकर अपने पास रख लें। इसको अपने शयन कक्ष में सिराने पर रखें। स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करें और पीली चीज़ों का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि कालिदास जी द्वारा रचित श्री रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। किसी भी पूजा को संपूर्ण तभी माना जाता है जब आप अपने आराध्य की कोई प्रिय वस्तु उन्हें अर्पित करें। माता को आज केले का भोग अवश्य लगाएं। कहते हैं स्कंद माता की उपासना कर कुंडली में देव गुरु बृहस्पति को मजबूत किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले पीले वस्त्र धारण करें और फिर माँ के समक्ष बैठें। इसके बाद ओम ग्राम ग्रीम क्रोम सह गुरुवे नमा का जाप करें। देवी माँ से बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने की प्रार्थना करें। आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता जाएगा। माता के मंत्रों का जाप कम से कम 11 बार अवश्य ही करें। सिंहासन गता नित्यम पद्मांचित कर द्वया, शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी।
पौराणिक कथाओं के अनुसार संसार में जब तारकासुर का अत्याचार बढ़ने लगा तो देवी देवता, मनुष्य, गंधर्व, ऋषि मुनि आदि सभी चिंतित हो गए। उन सभी ने माता पार्वती से तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। उसी समय स्कंद माता का अवतार हुआ। तो चलिए हम आपको कथा सुनाते हैं स्कंद माता की। स्कंद माता भी माता पार्वती का ही एक रूप है और बहुत ही सुंदर कथा है माता की। सभी लोग माता का ध्यान करते हुए इस दिव्य अलौकिक कथा का रसपान अवश्य कीजिएगा, आपको बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं स्कंद माता की कथा। बोलिए गणेश जी भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, स्कंद माता की जय। शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी, पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता। नवरात्रि में पांचवें दिन इन देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। शास्त्रों में इनका अत्यधिक महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी के होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इन देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। ये देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति हैं, यानी चेतना का निर्माण करने वाली देवी इन्हें कहा जाता है। माँ दुर्गा के स्कंद माता अवतार की ऐसी मान्यता है कि माता सती द्वारा अपना देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने खुद को सजा देने के लिए स्वयं को सांसारिक बंधनों से दूर कर लिया था और एक तपस्वी के रूप में पहाड़ों के बीच कड़कती सर्दी में तपस्या करने चले गए थे। इसी समय तारकासुर और सुर पद्मन नाम के दो राक्षसों ने देवताओं पर हमला कर दिया। उस वक्त देवताओं की सहायता करने के लिए कोई नहीं था। तारकासुर और सुर पद्मन नाम के दोनों राक्षसों को ब्रह्मा जी द्वारा ये वरदान प्राप्त था कि उन्हें मारने के लिए शिवजी की संतान को ही आना होगा। उन राक्षसों ने चारों ओर कलह का माहौल बनाया हुआ था और अपने आसपास हर किसी को परेशान करके रखा था। इन दोनों राक्षसों के अत्याचारों को देख देवतागण भी चिंतित थे। तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाया, परंतु भगवान विष्णु ने उनकी कोई भी सहायता नहीं की। विष्णु जी से सहायता न मिलने पर देवताओं ने नारद जी के पास जाने का सोचा। उन्होंने नारद जी से कहा कि यदि वह माता पार्वती से भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे तब शायद भगवान शिव उनसे शादी कर लें और उनके मिलन से महादेव की संतान का जन्म हो जो उन राक्षसों का वध कर सके। इसलिए नारद जी के कहे अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह का निर्णय ले लिया। विवाह के पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज का जन्म हुआ। बीज के अत्यधिक गर्म होने के कारण उसे अग्निदेव को सरवाना नदी में सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया गया। अग्निदेव भी उसकी गर्मी सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उस बीज को गंगा को सौंप दिया जो उसे आखिर में सरवाना झील में ले गई, जहां माता पार्वती पहले से ही जल के रूप में विद्यमान थी और उस बीज को धारण करते ही वह गर्भवती हो गई। उस समय कुछ समय के पश्चात कार्तिकेय जी ने अपने 6 मुखों के साथ जन्म लिया। कार्तिकेय जी के जन्म के बाद उन्हें तारकासुर और सुर पद्मन का विनाश करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने तैयार किया। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग अलग तरीके का ज्ञान दिया और राक्षसों से लड़ने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण शस्त्र भी दिए।
अंत में कार्तिकेय जी ने सभी राक्षसों का वध कर दिया। इसी कारण माँ दुर्गा को स्कंद माता यानी स्वामी कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है। स्कंद माता के मंदिर में मंदिर पूरे भारतवर्ष में कई जगह स्थित हैं, लेकिन उनमें से एक अत्यधिक प्रचलित मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। देवी दुर्गा के पांचवें स्वरूप में स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ अत्यंत दयालु मानी जाती हैं। कहते हैं कि दुर्गा देवी का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। कहते हैं कि संतान सुख की प्राप्ति के लिए माता की पूजा के साथ ही उनके मंत्र की आराधना भी विशेष फलदायी होती है। बहुत ही सरल मंत्र है, ओम देवी स्कंद माताए नमः। जो माताएं, जो बहनें संतान सुख से वंचित हैं, उन्हें इस छोटे से मंत्र का आज के दिन जाप अवश्य करना चाहिए। फिर से बताते हैं मंत्र, ध्यान से सुन लीजिए, ओम देवी स्कंद माताए नमः। इस प्रकार से मंत्र है, आप रुद्राक्ष की माला पे 108 बार इस मंत्र को जपें। साथ ही ये बहुत सुंदर उपाय है, पीले रंग की चुन्नी में एक नारियल लपेट कर, जो पूजा के श्रीफल वाले नारियल आते हैं वो आपको लेना है और चुन्नी में लपेट कर माता का पूजन सबसे पहले करना है, दीप प्रज्वलित करना है, धूप दिखाना है, माता को भोग इत्यादि लगाने के बाद माता को वो नारियल अर्पित करना है और माता से अपने संतान के लिए आपको प्रार्थना करनी है। यह पूजा करने से, माँ स्कंद माता की पूजा करने से, साथ ही कार्तिकेय जी की पूजा करने से संतान प्राप्ति के अतिरिक्त यदि कोई भी समस्या आपकी संतान से संबंधित है, जैसे बच्चे की पढ़ाई में बाधा आ रही है या जॉब में प्रॉब्लम आ रही है या बच्चा बात नहीं मानता या जितनी भी समस्याएं हैं, बीमार ज़्यादा रहता है, नज़र लग जाती है रोज़ रोज़, वो सारी समस्याएँ आपकी दूर होती हैं, तो ये छोटा सा मंत्र बहुत चमत्कारी है, ओम देवी स्कंद माताए नमः। इस प्रकार से इस मंत्र का आप माता की माला पर, रुद्राक्ष की माला पर 108 बार जाप करें। माँ दुर्गा का स्कंद माता अवतार हमें यह सिखाता है कि कैसे एक माँ सदैव अपने बच्चे की अच्छाई की को और अधिक बढ़ाना सिखाती है। यदि कभी जीवन में बुराई का सामना करने के लिए शस्त्र भी उठाने पड़े तो माँ अपना पूरा समर्थन देती है। इसलिए हमें अपनी माँ का सदैव सम्मान करना चाहिए, उन्हें हर चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर कथा थी स्कंद माता की। बोलिए स्कंद माता की जय। माँ अपने भक्तों की सदैव रक्षा करे। स्कंद माता का आशीर्वाद आप सभी पर, आपके बच्चों पर, हम पर, हमारे बच्चों पर सदा बना रहे, ऐसी कामना के साथ आज की इस बहुत ही सुंदर वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। माता की असीम कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। जय माता की, राधे राधे।